हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं तनीमा गोराई से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में। यार थैंक यू अभिद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल। माय सेल्फ तन्वी ओके एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता। ओके ओके। सो हाउ आप आर ये यू? यार फाइन फाइन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपका जो सिलेक्शन हुआ वो टेक महिंद्रा में सिलेक्शन हुआ था, जैसे कि आपने मुझे बताया। प्लस आप जी कितने महीने जॉब किए थे, फिर आपने अप्लाइंग प्रोसेस क्या था, क्या एलिजिबिलिटी थी, क्राइटेरिया क्या था, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, सैलरी, सैलरी डेट, टोटल स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए हमारे ऑडियंस को। जी मैं बिल्कुल हिंदी में ही समझाऊँ? हाँ, आप हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में तो जाए कि हमारे ऑडियंस भी हिंदी में ही कंफर्टेबल है। जी बिल्कुल। ओके ओके थैंक यू। जस्ट कि मैं जॉब किया टेक महिंद्रा पे, मेरा 10th month का वर्क एक्सपीरियंस है अच्छा और अच्छा इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। ओके ओके। कौन सा प्रोसेस में थी आप? मैं पहले ज्वाइन किया था फ्लिपकार्ट ईमेल प्रोसेस के अच्छा, लिए, फ्लिपकार्ट ईमेल प्रोसेस। ईमेल एग्जीक्यूटिव के लिए। जी देन बिल्कुल। 4 महीने फ्लिपकार्ट ईमेल एग्जीक्यूटिव रहने के बाद जी, मुझे मूव किया गया चैट ब्लेंडर पे। चैट ब्लेंडर तो पर। जी। हाँ, तो टेक महिंद्रा मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया था कि मेरा ईमेल पे भी नॉलेज हो और चैट पे भी नॉलेज हो, साइड बाय साइड मेरा कॉल पे भी नॉलेज हो। अच्छा। ब्लेंडेड प्रोसेस थी, मेल जी प्रोसेस था और प्लस वॉइस प्रोसेस थी, जी जी मेल का भी ब्लेंडेड था ब्लेंडेड जिसमें था। मेल कॉल अच्छा दोनों ही करना पड़ता जी जी था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट किए गए हैं तो वो कितने राउंड के इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे, जी अप्लाइंग प्रोसेस क्या था, जो कैंडिडेट हैं जो आपको वॉच कर रहा है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, इस स्टेप बाय स्टेप बाय कवर कीजिए। जी। जी मैंने एचआर के थ्रू अप्लाई किया था, जैसे कि एचआर का नंबर था मेरे पास जी। और एचआर को मैंने सीवी भेजा था। जिस दिन इंटरव्यू था एचआर ने रिवर्ट बैक किया, अच्छा। बैक करके मुझे मेल सॉरी मीट लिंक दिया, उसमें ज्वाइन होकर टोटल 3 राउंड हुआ था टोटल इंटरव्यू। इंटरव्यू 3 राउंड हुए थे, ठीक है। जी, बिल्कुल। हाँ उस टाइम पे 3 राउंड हुआ अच्छा, था। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपने इस हाँ, इंटरव्यू में? जैसे कि एचआर राउंड हुआ था जिसमें कि आपको पूछा गया कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, कहाँ पे रहते हो, और जैसे कि मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था जी। तो ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया गया था, अच्छा। जी मेरा बिल्कुल। सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब भी पूछा गया था। अच्छा। और उसके बाद एक राउंड हुआ था जो कि ग्रामर राउंड हुआ था, इंग्लिश अच्छा। ग्रामर मोस्टली टेस्ट। अगर मैं बात करूं तो जैसे मोस्टली जो एचआर होते हैं वो क्या चीज करते हैं वॉइस प्रोसेस के लिए? देखिए अभी का जो डिमांड है, जैसा कि आप लोग, हम लोग सभी जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो जी होता क्या कि कंपनी के पास 50-60 कैंडिडेट होते हैं लेकिन उनके पास सीट लिमिटेड होती है, राइट? तो अगर मैं जी बात करूं, तो अगर एक्स्ट्रा यूनिक की मैं बात करूं तो एचआर जो मोस्टली क्या चेक करते हैं वो फिर उसको हायर करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपने 10 महीना फ्लिपकार्ट ईमेल प्रोसेस के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था या फिर टेक महिंद्रा के थ्रू आपका सिलेक्शन हो गया। तो आप इस तरह को, मतलब इस चीज को किस ये ओपिनियन से देखना चाहेंगे या फिर किस नजरिए से देखना चाहेंगे? जी अबे इसमें आपका मेन जो देखा जाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है और आप में प्रोफेशनलिज्म कितना है, अच्छा ये अच्छा मेनली जी चेक किया जाता है। जी जी और कस्टमर हैंडल करने का आपका कैपेबिलिटी कितना है, अच्छा। यही मेनली देखा जाता है। और एचआर राउंड पे आपका ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, और उसके बाद ग्रामर राउंड होता है जो कि ग्रामर में क्या क्या पूछे जाते हैं? ग्रामर पे आपका वो रहता है प्रीपोजिशन वगैरह मल्टीपल चॉइस रहता है। अच्छा। वो तो फिर मतलब मल्टीपल जो मतलब ये रहता होगा, ऑप्शनली रहता होगा, जैसे मान लीजिए लिखा हो रहेगा, जैसे मान लीजिए लिखा हो रहेगा द कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच, या फिर द कैट इज सिटिंग अंडर द बेंच, ऐसा ही होगा ना? या ऑन या इन एट, इस तरह का उपयोग होगा, जो मतलब जो प्रॉपर जो प्रीपोजिशन जो यूज होता है उसको आपको टिक कर देना हाँ, है। प्रीपोजिशन एमसीक्यू क्वेश्चन देन को हम लोग कह सकते हैं। या एमसीक्यू, प्रीपोजिशन रहता है आपका, टेंस रहता है, अच्छा, टेंस में क्या क्या पूछता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ओवरऑल। ओवरऑल सभी पूछते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं ये कंडक्ट? ये 40 मार्क्स का होता है। अच्छा, 40 में कितने मार्क्स लाना कंपलसरी है? 40 में आपका करीब 28 ऐसा ही अच्छा कंपलसरी अच्छा था। कंपलसरी होता है। जी, मैं समझ गया। ये सारे राउंड क्लियर। हाँ, थर्ड राउंड ये क्या? हाँ मैं जी, जब थर्ड राउंड क्या होता थर्ड है? राउंड क्लाइंट राउंड, जैसे क्लाइंट क्या मैं क्या पूछता है आपसे? एज एन ईमेल एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था तो
वो लोग एक टॉपिक देता है आपको जी जी फ्लिपकार्ट का, जो जो प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मेरे को टॉपिक दिया था इनवॉइस रिलेटेड, कि एक कस्टमर का इनवॉइस का अगर जरूरत है तो उसको आप कैसे मेल के थ्रू उसका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो अच्छा वही मेल का डेमो देखता है कि आप मेल प्रोफेशनल मेल कैसा होता है ये आप जानते हो या नहीं, अच्छा 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 मतलब अच्छा ये बोलो, देखा जाता है। अच्छा अच्छा बिल्कुल और बिल्कुल अगर आपका चैट हो तो देखा जाता है कि एक वो लोग मॉक चैट लेता है आपके साथ कि कैसे कस्टमर को आप हैंडल करते हो, वो देखता है। और अगर आप वॉइस प्रोसेस में जाते हो तो वॉइस प्रोसेस में आपको देखा जाता है कि मॉक कॉल आप कैसे लेते हो। अच्छा, मॉक कॉल कैसे हम लेते हैं ये चीज चेक किया जी था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उस टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब ये तीन प्रोसेस था, बट अभी डे चेंज हुआ और प्रोसेस में इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो भी थोड़ा चेंज हो चुका है। जी जी तो जी जिसमें अभी होता है कि आपका एक एचआर राउंड होता है, उसके बाद आपका ऑपरेशन राउंड होता है, अच्छा देन टेक महिंद्रा का एक पी मैपिंग टेस्ट होता है अच्छा जिसमें मेरा एग्जैक्ट कितने नंबर का क्या आता है ये याद नहीं है, अच्छा 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 क्योंकि एग्जाम टाइम में आप जानते हो बहुत नर्वस या हरी भरी आदमी लोग मोस्टली रहते वही हैं। हो जाता है, नर्वस ही हो जाता है। सही बात है हाँ, जी। तो नर्वसनेस की कोई बात नहीं है, आप शांति से एग्जाम दे सकते हो। टेक जी महिंद्रा एक बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा अच्छा बिल्कुल तो उसमें ऑपरेशन राउंड, सॉरी, फर्स्टली एचआर राउंड होता है, उसके बाद ऑपरेशन राउंड जिसमें आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है जी। कि सब जगह का जो कॉमन क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जी। देन आपका और एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बात, कस्टमर सपोर्ट क्या है, एक टॉपिक देता है इसके ऊपर बात करो, आपका सिटी के बारे में बताओ, या आप प्रीवियस डे पे क्या किया वो बताओ, या आपका गोल क्या है, फ्यूचर अच्छा गोल अच्छा मतलब वो लोग नेक्स्ट जस्ट फाइव चेक करता है इयर्स का। ग्रामर कम्युनिकेशन की आपकी ग्रामर जी कम्युनिकेशन जी स्किल कैसी है। या अच्छा नेक्स्ट अच्छा डे आपका प्लान क्या है। नेक्स्ट डे का प्लान क्या है ना। हाँ, वैसे ही मतलब अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता जी है, जी जी मेनली देखता है कि आंसर में आपका कितना स्किल डेवलपमेंट है, वही अच्छा। देखा जाता है और उस। आफ्टर, हाँ जी बिल्कुल बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा बात बोल जी, रही हैं। हाँ जी जी बिल्कुल हाँ। आफ्टर ऑपरेशन राउंड देन आपका एक टेस्ट होता है जो पी मैपिंग बोलता है। जी जी बिल्कुल पी मैपिंग टेस्ट में आपका कम्बिनेशन रहता है कि आपसे कुछ प्रोफेशनलिज्म के क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी। एक इंसान ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है और एक इंसान ट्रैफिक सिग्नल पे, मतलब जो इंसान का नो एंट्री देता है ना सिग्नल पे भी चल रहा है, ऐसा दो पिक्चर देता है और ऊपर में क्वेश्चन रहता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, अच्छा ऑप्शन पिक्चर ए की तरह आप रहोगे या बी की तरह, अच्छा 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 जिसमें आपको पर्सनालिटी चेक होता है। और अच्छा अच्छा दूसरा आपका देखा जाता है कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आता है ये, और तीसरा पी मैपिंग में आता है कि अगर एंग्री कस्टमर 10 दिन बाद आया और 10 दिन बाद आके, अब मैं एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ जी कि जी 10 दिन बाद आया, 10 दिन बाद आके आपको बोल रहे हैं कि सुपरवाइजर का कॉल जाना था, 10 दिन हो गया अभी तक मेरा कॉल नहीं आया, और फिर आपको तीन या चार ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस सिचुएशन में कस्टमर को क्या आंसर करोगे, अच्छा कि अच्छा मैं माफी चाहती हूँ कि आपका 10 दिन डिले हुआ, मैं इस इशू को रिजॉल्व करती हूँ, या आप बोलोगे कि ठीक है रहने दीजिए, आप कॉल कट कर दीजिए, और नहीं आप क्या बोलोगे कि ओके जो हुआ अच्छा हुआ। इसमें आपका नॉलेज देके आंसर सिलेक्ट करना होगा कि इस सिचुएशन पे आप क्या आंसर दोगे कस्टमर को। जो अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल पी मैपिंग हो गया। पी मैपिंग के बाद आपका एक वर्सिंग टेस्ट होता है जो कि टेक महिंद्रा पे न्यू है। जी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टेक महिंद्रा पे पहले वर्सन टेस्ट नहीं था, अच्छा अच्छा अभी अच्छा टेक महिंद्रा के साथ वर्सेंट और पी मैपिंग ये दो टेस्ट ऐड हुआ है। ऐड हुआ है बिल्कुल। तो वर्सेंट में आपका पहले आता है रिपीट सेंटेंस, अच्छा 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 वो अच्छा कुछ बताते हैं जी आपको याद रखना पड़ता है, जी फिर आपको 10 सेकंड टाइम दिया जाता है अच्छा अच्छा उसमें आपको रिपीट करना होता है, अच्छा अच्छा ठीक है।
जी देन आपको और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, टेक महिंद्रा में वर्सन 4 स्किल टेस्ट होता है, ओके जी और फिर जो आता है उसमें आता है कि आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश में बताते हैं कि इफ इट्स समर देन यू यूज फैन और ब्लैंकेट, देन आपको आंसर देने के लिए 5 या 6 सेकंड टाइम दिया जाता है, अच्छा आप उसमें बताते हो कि जो आपका सही आंसर है वो अच्छा बताते हो। मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन रहता है जो मतलब हाँ थोड़ा सा बढ़िया से तैयारी वारी करके जाएगा हाँ उसको क्रैक हो जाएगा। और उसके बाद और एक टाइप का आता है वर्सन के अंदर जिसमें आपको सेंटेंस बिल्डिंग करना होता है, जैसे आई एम ईटिंग राइस तो जी जी उसमें ऐसे बोलता है राइस अच्छा आई एम ईटिंग, तो उसको आपको बिल्ड करके ठीक से बोलना पड़ता है, अच्छा देन अच्छा आपका ये सब क्लियर हो गया जिसमें आपको 4 स्कोर करना पड़ता है, इफ यू डू 4 स्कोर देन यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए अब मैं बात करता हूँ वर्किंग डेज, वर्किंग आवर एंड वीक ऑफ डेज की। तो वर्किंग डेज क्या होता है, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, और वीक ऑफ डेज क्या अभी होती है? अच्छा मैं इंटरव्यू का ये पूरा प्रोसेस खत्म करके फिर मैं वर्किंग का प्रोसेस में आता जी हूँ। जी बिल्कुल वर्सेंट बोलिए। के बाद और एक राउंड आता है जिसमें क्लाइंट राउंड होता है, जी उसमें जी आपको पूछा जाता है फिर अगेन आपका वो कम्युनिकेशन हिंदी एंड इंग्लिश या जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है जी उसका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, अच्छा और जिस प्रोसेस में आप ज्वाइन कर रहे हो उस प्रोसेस के ऊपर एक मॉक कॉल दिया जाता है, अच्छा 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 ये क्रैक कर लिया तो आपका जॉब लग गया। जॉब लग गया। अच्छा, बिल्कुल। हाँ उसके बाद जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट प्रोसेस में थी, वो बहुत ही एक मतलब इजी प्रोसेस, शानदार प्रोसेस था, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं उस प्रोसेस में काम कर चुकी हूँ। जैसे सब कोई बताते हैं कि ये प्रेशर वो प्रेशर, देखो प्रेशर तो हर काम में हाँ रहेगा, हाँ सही सही बात है। हाँ प्रेशर तो हर उसमें काम से ही रहेगा। आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, प्रेशर से डरने से काम नहीं चलेगा। सही हाँ बात उसमें आपको जो ब्लेंडेड प्रोसेस है वो 9 to 9 विंडो में आता था पहले, कि सुबह 9 से रात 9 के बीच में आपको कोई 9 घंटा काम करना पड़ता है, एक रोटेशनल वीक ऑफ होता है, रोटेशनल शिफ्ट कोई 9 घंटा होता है, 1 घंटा ब्रेक है जी। जी। और टेक महिंद्रा का अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट एंड को वर्कर्स अच्छा TLQA वो बहुत ही सपोर्टिव है। सपोर्टिव रहते हैं ना सर। हाँ बहुत ही सपोर्टिव है, इवन दो आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पे जो HR वगैरह होता है वो लोग भी आपको बहुत सपोर्ट करता है इंटरव्यू देने में। अच्छा, ताकि तुम आप लोग का सिलेक्शन हो जाए ना। हाँ ठीक है, वर्किंग डेज क्या था इसमें आप लोग का? वर्किंग डेज आपका रोटेशनल एक वीक ऑफ है अच्छा और अच्छा 6 डेज वर्किंग है। अच्छा और वर्किंग आवर्स कितने थे वर्किंग आवर्स 9 आवर्स है इंक्लूडिंग? कौन सा इंक्लूडिंग वन आपका आवर्स शिफ्ट था, ब्रेक। जनरल शिफ्ट था या कौन सा था? या मैं जब काम करी थी तब मैं 9 to 9 के विंडो में काम करती थी, 9 to 9। प्रोसेस रिक्वायरमेंट था अच्छा वो। अच्छा अच्छा सैलरी क्या दे रही थी कंपनी आपको? सैलरी मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था तो मेरे को दे रहे थे 12,700 जी CTC, अच्छा, जिसमें से मुझे 12,500 मिलता था इन हैंड। इन हैंड। तो अच्छा टेक महिंद्रा का जो सबसे अच्छी बात है, टेक महिंद्रा का आपका सैलरी रहता है इन हैंड इतना बताया जाता है, बट ये वो वगैरह अलाउंस मिला के आपका 13,500 आ जाता है, और13,500 इफ यू आर ज्वाइनिंग एज एन एक्सपीरियंस देन योर सैलरी विल बी 15,000। 15,000 ना, या सब सही है फिर, बहुत अच्छा। और हाँ जैसे वर्क फ्रॉम होम में आई हाँ जी, थिंक दिस इज एनफ। राइट राइट। और जैसे मान लीजिए कि, और जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपने बताया था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो वर्क फ्रॉम होम में जैसे आप क्या अप्लाइंग का जो प्रोसेस था, वो ऑडियंस अगर सुनना चाहें कि सर, या बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो आपको वॉच कर रही हैं, जो आपको कंटिन्यूसली अभी तक सुने हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह जॉब सर्च कर रहे हैं? हाँ
आप लोग एक काम कर सकते हैं, नौकरी या लिंक्डइन इसमें आप प्रोफाइल क्रिएट करके कंपनी का नाम वगैरह, जैसे ये सब ऐप से जॉब ढूंढा जाता है वैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक एक इजीएस्ट वे है कि इसमें आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है, ये आपका खुद का नॉलेज से ही पता करना जी पड़ेगा। हाँ, राइट ठीक है, राइट सारा आप कॉन्टेक्स्ट है। फेसबुक पे देख सकते हैं कि फेसबुक पे भी ऐसे बहुत सारा एचआर वगैरह ऐड पोस्ट करता है। जो खुद एचआर नहीं रहता है। हाँ हाँ राइट राइट जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे मान लीजिए टेक महिंद्रा में आपने बताया, तो क्या ओटी वगैरह भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती थी या नहीं करती थी? हाँ हाँ वो ओटी प्रोवाइड करता है, अच्छा। ओटी आपका वीक ऑफ प्रेजेंट भी, जब प्रोसेस रिक्वायरमेंट आता है वीक ऑफ प्रेजेंट का भी ऑप्शन आता है, ओटी का भी ऑप्शन आता है, बट ये टोटली ऑप्शनल है आपके ऊपर। आप अगर करना चाहते हो तो करें, नहीं करना चाहते हो तो आपका जॉब आवर्स के बाद आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप ये कर लो, अच्छा, आपको रिक्वेस्ट करेगा बट कोई फोर्स नहीं फोर्स नहीं करेगा। करेगा कि आपको ओटी करना ही है, ये आपके ऊपर। अगर आपको ओटी करने की इच्छा है कीजिए, नहीं करने की इच्छा मत कीजिए, सब बात है। हाँ और एक चीज, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ जैसे बंदे होते हैं जो अपने फ्रेंड कलेक्स को मान लीजिए रेफरेंस करते हैं कंपनी में, तो क्या कुछ कंपनी बेनिफिट देती है, रेफरेंस अमाउंट वगैरह पे हाँ करती है? रेफरेंस का एक अमाउंट है जो कंपनी का क्राइटेरिया है वो मैच कर जाए तो जी। कितना कंपनी रेफरेंस। पे करती है कैंडिडेट पे? एक्चुअली ये तो मैं कभी किसी अच्छा को अच्छा किए रेफर नहीं नहीं आप? किया, अच्छा, आपको पता एग्जैक्ट नहीं। अमाउंट मुझे पता नहीं जी बट जी 1000 के ऊपर है। 1000 के ऊपर एक कैंडिडेट के ऊपर। हाँ ये जी भी 90 डेज जब कंप्लीट हो जाएगा कैंडिडेट का, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, राइट जी जी। जी तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं और यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा। मैं ये जी पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे हमारे जो ऑडियंस है आपको जो वॉच कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं फ्लिपकार्ट प्रोसेस में, अब टेक महिंद्रा कंपनी के अंतर्गत और ईमेल चैट प्रोसेस के थ्रू, तो आप उनको क्या सजेशन लास्ट में देना चाहेंगे, आपका क्या ओपिनियन रहना जी रहेगा? मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि देखिए हर बार तो ये नहीं होता ना, हम लोग जो जॉब चाहते हैं वही जॉब मिल जाए हम लोगों को। जॉब का मतलब है जॉब के लिए तुम एलिजिबल होगे उसके बाद ही तुमको जॉब मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक सजेस्ट कर सकती हूँ कि टाइपिंग प्रैक्टिस करने का बहुत सारा वेबसाइट है, आप वही वेबसाइट में जाके आपका टाइपिंग जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल विदाउट ग्रामेटिकल एरर आप ये कर सकते हैं। और आप सबसे बड़ी बात है ये कोई मुंह पे बताते नहीं है बट इंटरव्यू पे आपका स्मार्टनेस बहुत चेक किया जाता है। अच्छा, कि आप कितने स्मार्ट हो। स्मार्ट मतलब हाँ क्या? मतलब स्मार्ट कम्युनिकेशन मतलब आपका कम्युनिकेशन। कैसा, बात करने का तरीका कैसा, हाँ कॉन्फिडेंस भी बहुत चेक किया जाता है बंदे में, कॉन्फिडेंस है कि नहीं। वो लूज बोलेगा, धीरे बोलेगा, अटक हाँ अटक के बोलेगा, बफलिंग करेगा तो एचआर छाट देगा वहीं पे, बोलेगा नहीं हो जी सकता, पॉसिबल जी नहीं, ये सारी चीजें और हैं। कितना आप सिचुएशन को हैंडल कर हाँ सकते हो हाँ सिचुएशन को हैंडल, ये ये भी सारी चीजें। देखता है। इसके बावजूद भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जिसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे हाँ आता हाँ है, सही ये सही बात, आपको सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है सेल्फ कि स्टडी बहुत जरूरत है। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल कि आपने ये फ्रेंड से सुना है ऐसा ऐसा होता है बस चले जाते हो, ऐसा नहीं है, जाने से हाँ, पहले थोड़ा खुद को तो प्रिपेयर करके प्रिपरेशन कर जाओ। लो, उसके बाद जाए ताकि आपको जाना बेकार ना हो जाए, राइट। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसे जी, बहुत कंपनी बहुत। आपको पे कर रहा है हाँ आपका वैसा स्किल रहेगा उसके बाद ही कंपनी आपको पे करेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कंपनी का रूल्स एंड क्राइटेरिया, अगर आपके अंदर स्किल्स है, देखिए जितनी बड़ी कंपनी जाइएगा उतना ज़्यादा इंटरव्यू लेगा। इजी हाँ बोलते हैं ना, इजी चॉइस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइस इजी लाइफ। अगर आप 25 कंपनी में जाना चाहेंगे तो डेफिनेटली है कि आपके इंटरव्यू टफ होंगे, लेकिन सैलरी भी 30,000 40,000 ऐसे करके मिलेगा। नॉर्मल कंपनी में इंटरव्यू देना चाहेंगे जहाँ पे आपको नॉर्मल इंटरव्यू होगा, एक या दो राउंड लिया, बोलो चलो सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा 10,000 रुपया देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को बनाते हैं, राइट। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय हमारे YouTube चैनल को दिया, और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार आपका सिलेक्शन हुआ था टेक महिंद्रा में, और जो हमारी ऑडियंस है वो कैसे जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकती है, क्या प्रोसेस होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू सो मच।